हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों जय श्री राम। आप सभी का तिलक परिवार की ओर से हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे वेदों में परमात्मा से जुड़ने के तीन मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इसी प्रकार तीन मुख्य देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमें प्रकृति से जोड़ने वाले गुण भी तीन ही हैं, सत, रज और तम। इसी प्रकार तीन लोक, भूलोक, अंतरिक्ष और पाताल लोक। तीन ही काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। और सबसे सूक्ष्मतम अंश भी तीन ही हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भक्तों, वेदों के द्वारा मुख्य तत्व भी तीन ही बताए गए हैं, परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। इस सृष्टि का उद्गम कारण एक ही परम तत्व है, वो है स्वयं ईश्वर। उसी ईश्वर की पूजा उपासना हम अनेकों रूपों में और अनेकों नाम से करते हैं। भक्तों, वही ईश्वर परम तत्व है, हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के इस अवतार का एक उद्देश्य मर्यादा की स्थापना भी है। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया। भक्तों, ये वही दिव्य स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने तप के द्वारा ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया था। यही है देव प्रयाग का दिव्य पौराणिक मंदिर, श्री रघुनाथ जी मंदिर। यहाँ रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद आए, क्योंकि राम जी पे ब्रह्म हत्या लग गई थी। रावण ब्राह्मण था, तो राम जी ने यहाँ पे आके प्रायश्चित किया, क्योंकि यह एक दिव्य क्षेत्र है और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। यहाँ पे नारायण ने तपस्या करके पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया। ये स्वयं मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति, करीब 1200 साल पुरानी। भक्तों, देव प्रयाग उत्तराखंड में श्री भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के दिव्य संगम पर बना हुआ है प्राचीन और अति दिव्य श्री रघुनाथ जी मंदिर। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हिमालय का एक क्षेत्र है, जो भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कल कल की ध्वनि करती हुई अलकनंदा और भागीरथी नदियों का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर संगम है। जबकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ गुप्त रूप से भगवान के श्री विग्रह के नीचे से प्रवाहित हो रही है, इसलिए सरस्वती का यहाँ गुप्त और अप्रत्यक्ष संगम है। यहाँ पर तीनों दिव्य नदियों का संगम स्थान होने के कारण इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। भक्तों, मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 80 से 100 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। रास्ते में कुछ पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां से भोग प्रसाद, पूजा सामग्री खरीदकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दूर से ही दिख जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि यहां पर भगवान राम ने त्रेता युग में रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करने के लिए तप किया था। भगवान राम के चरण चिन्ह आज भी यहाँ विद्यमान हैं। कुछ लोगों का मत है कि त्रेता युग से ही मंदिर यहाँ पर विराजित है। भक्तों, कहा जाता है कि गढ़वाल राज्य के विस्तार के बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी, परंतु मंदिर मूल रूप से 10वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आया। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करवाना आरंभ किया था, जो उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने सन 1860 में पूर्ण करवाया। भक्तों, पौराणिक मान्यता अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी, सनत कुमार जी, सप्त ऋषिगण और ऋषि भारद्वाज जी भी तपस्या कर चुके हैं, इसलिए इस स्थान को प्रयागा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है तपस्या करने का सबसे अच्छा स्थान। भक्तों, यहाँ एक अति प्राचीन बरगद का वृक्ष भी है, जो वरदान स्वरूप सभी सांसारिक आपदाओं से रक्षा करने वाला है और कल्प के अंत तक इस स्थान पर यहाँ आने वालों के संकटों का नाश करता रहेगा। भक्तों, 5 प्रयागों में से एक देव प्रयाग में पहाड़ी पर बना हुआ श्री रघुनाथ जी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है।
पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित और भगवान के स्वयं विराजित 108 दिव्य देव मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान ने इन मंदिरों में स्वयं प्रकट होकर मंदिर को सिद्ध किया है। यहाँ मंदिर के एकमात्र देवता भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, जो धराधाम पर स्वयं विष्णु स्वरूप हैं। भक्तों, मंदिर और स्थान की शोभा अत्यधिक दर्शनीय एवं किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। नदियों के संगम और पहाड़ी पर बने मंदिर की दिव्यता की आभा का आनंद आप यहां दर्शन करते हुए ही अनुभव कर सकते हैं। इस सुंदरता और दिव्यता के वातावरण में नदियों की ध्वनि सुनकर मन यहीं रम जाता है। भक्तों, यदि आपको सच में किसी दिव्य और मन को शांत करने वाले स्थान की खोज है तो यहां दर्शन करने अवश्य आए। ऐसा लगता है कि यहां पूर्व में की गई तपस्या की ऊर्जा आज भी वर्तमान के माध्यम से हमें ऊर्जावान बना रही है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में प्रभु श्री राम के साथ न तो माँ सीता जी हैं, न ही लक्ष्मण जी और न ही उनके परम प्रिय हनुमान जी। यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का अकेला विग्रह है। परंतु भक्तों, कहते हैं कि जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी, क्योंकि राम जी बिना हनुमान जी के अपूर्ण अनुभव करते हैं। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ तपस्या करने आए तो हनुमान जी छिपकर भगवान के पीछे बैठ गए और राम नाम जाप करते रहे। इसलिए राम जी के मंदिर के ठीक पीछे हनुमान जी का मंदिर है। भक्तगण श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जिसको श्री राम की गद्दी कहा जाता है। किंवदंतियों की माने तो भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर बैठकर वर्षों तक तपस्या की थी। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम जी के विग्रह के अतिरिक्त परिसर में अलग से माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बद्रीनाथ जी और आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमाएं विराजित हैं। भक्तगण बड़े ही प्रेम से श्री रघुनाथ जी की पूजा के बाद सभी देवों की पूजा करते हैं। भक्तों, यहाँ पूजा करने से सभी विघ्नों और संकटों का नाश होता है एवं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, दशहरा और दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन अवसरों पर मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान के दर्शनों को पहुँचते हैं। भक्तों, मंदिर में मंगला आरती प्रातः 6 बजे होती है और संध्या आरती का समय शाम 7 बजे का है, तथा मंदिर में भगवान के दर्शनों का लाभ प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप ले सकते हैं। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर के साथ ही आप यहां स्थित भरत मंदिर, बागेश्वर महादेव, आदि विश्वेश्वर मंदिर, धनेश्वर मंदिर, बिल्वेश्वर मंदिर, तुंडेश्वर मंदिर, गंगा मंदिर, तांडकेश्वर मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, नागराजा मंदिर, नरसिंह मंदिर, महिषमर्दिनी मंदिर तथा उत्तर में स्थित 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं तो मंदिर के पास ही धर्मशाला व होटल की सुविधा है। बहुत अच्छे उच्च स्तरीय होटल और मध्यम स्तरीय होटल के अधिक विकल्प आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे। इसलिए आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ऋषिकेश अथवा देवप्रयाग में होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप देवप्रयाग में स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप देवप्रयाग में स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। भक्तों, हवाई अड्डे से आपको
मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप आसानी से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा रघुनाथ जी मंदिर देवप्रयाग की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप देवप्रयाग में स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप निजी या सरकारी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप देवप्रयाग उत्तराखंड में श्री भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के दिव्य संगम पर विराजित दिव्य श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम।